ऑटोफेजी में दूसरा कैंसर सेल्स की ओवर ग्रोथ को रोकता है। तो अगर आप कैंसर पेशेंट थे, अगर कीमोथेरेपी के प्रोसेसिंग में है, फास्टिंग में भी ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट द हार्मफुल साइड इफेक्ट्स लाइक कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी करवाते हैं, तो आप अपने डाइट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन को शामिल कीजिएगा। प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, बॉडी को हेल्दी फैट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कीमोथेरेपी में जो ड्रग्स दिया जाता है उससे हमारे बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती है। जो सेल्स की ओवर ग्रोथ है उसको मारने के लिए जो ड्रग्स दिया जाता है उससे हमारे बॉडी टॉलरेट नहीं करती है। तो कीमोथेरेपी के बाद ये प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, इसलिए पेशेंट को खो बैठते हैं। किसी का अलग अलग कैंसर होता है, उसके हिसाब से आप अपना डाइट शामिल कीजिएगा। और इस चीज़ की बहुत सारे लोगों को कम नॉलेज होती है, कैंसर पेशेंट्स को किस चीज़ की प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्या चीज़ की लेना चाहिए। कि आप कैंसर पेशेंट है, कीमोथेरेपी के प्रोसेसिंग में है, तो आप ऑटोफेजी के भरपूर फ़ायदा उठाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा दे।